आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय मां चंडी, जय शंकर। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। हमारा एक सब्सक्राइबर का डिमांड था कि दुर्गा कवच या जो चंडी कवच बोलते हैं उसकी साधना विधि के ऊपर बात किया जाए, फिर उसकी साधना विधि आदि दिया जाए। तो उन सब्सक्राइबर के डिमांड के ऊपर आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को दुर्गा कवच या फिर जो चंडी कवच बोलते हैं उसका साधना विधान बताऊंगा। बहुत सरल साधना है, कोई भी आसानी से कर सकता है और 100% इस साधना से साधक को फायदा मिलता ही मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं साधना के ऊपर। ये जो साधना है ये मूलतः 9 दिनों की साधना है। जो 4 नवरात्रियाँ हैं, साल में 4 नवरात्रियाँ पड़ते हैं, उस 4 नवरात्रि में ये साधना कर सकते हैं या फिर किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की प्रथमी से लेकर 10वीं तिथि तक ये साधना आप कर सकते हैं। ओके, बेहतर होता है कि आप 4 नवरात्रियों में ही साधना को संपन्न करें। साधना का नियम यह है कि साधना के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना है, सात्विक आहार करना है, मांस मदिरा आदि भक्षण से दूर रहना है, जितना हो सके मौन रहना है, घर में रहना है। ओके, और जो हमारा मन है उसको एकाग्र करके माता के ऊपर लगाना है, ये साधना का नियम है। इसके बाद साधना का विधान यह है कि 9 दिनों को तक जो आपका साधना होगा उन 9 दिनों में आपको लगातार माता के लिए अखंड दीप जला के रखना है। जो अखंड दीप होगा वो देसी गाय के घी का आपको अखंड दीप जला के रखना है, और जो अखंड दीप होगा वो मिट्टी का होना चाहिए, ये ध्यान पूर्वक देख लीजिएगा आप सभी लोग। इसके बाद आपका जो मुँह है वो उत्तर या फिर पूर्व की ओर होगा, और जिस ओर आपका मुंह होगा उसी ओर ही उस अखंड का भी मुंह होना चाहिए, या फिर अखंड की लौ का मुंह उसी ओर ही होना चाहिए, उत्तर की ओर या फिर पूर्व की ओर। ओके, इसके बाद आपको माता की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र या फिर फोटो आपको आवश्यक पड़ेगी साधना में। साधना में आपका जो वस्त्र होगा वो लाल होगा और आसन भी लाल होगा। साधना में सुरक्षा खरा की कोई आवश्यक नहीं है। गुरु मंत्र है, अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, शिव जी को भी गुरु मान के ये साधना आप संपन्न कर सकते हैं। साधना शुरू जिस दिन करेंगे, एक दिन पूर्व आपको गणपति जी का पूजा करके गणपति जी से इस साधना के लिए आज्ञा ले लेना है, और तब जाके आप ये अगले दिन से ये साधना शुरू कीजिए। तो साधना जब आप शुरू करेंगे तो पहले दिन आपको संकल्प लेना है कि मैं 9 दिनों के अंदर ये दुर्गा कवच या फिर जिसे आप बोलते हैं चंडी कवच, इसका 1100 पाठ करूँगा 9 दिनों के अंदर, और इसके फलस्वरूप भगवती जगदम्बा दुर्गा मैया प्रसन्न हों और मेरा हर जगह पे सुरक्षा करें। तो इस तरह से आपको संकल्प ले लेना है। संकल्प लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपका अखंड प्रज्वलन है तो अखंड प्रज्वलित कर लीजिए, गणपति पूजन, गुरु पूजन, शिव पूजन, भैरव पूजन आदि संपन्न कर लीजिए। गणपति जी का, शिव जी का, गुरु जी का, अपने गुरु मंत्र का और भैरव जी का एक एक माला जाप करना है कर लीजिए। इसके बाद माता दुर्गा का आप जितना जानते हैं उस हिसाब से माता को फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि देके माता का पूजा कर लीजिए। पूजा कर लेने के बाद आपको उस कवच का पाठ करना है। तो आपको पाठ जो करना है वो आपको 9 दिनों के अंदर ऐसे पाठ करना है ताकि आप 9 दिनों के अंदर 1100 पाठ कंप्लीट कर लें। इस साधना में कोई ज़्यादा हवन की विशेष विधि नहीं है। जिस दिन आप 9 दिन का पाठ जब आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी कि 9वें दिन जब आपका पाठ ख़त्म हो जाए, तब आपको उसी 9वें दिन ही जिस समय ख़त्म हो जाए उसके बाद आपको हवन देना है, और हवन में आपको नवार्ण मंत्र से आप चाहे 108 आहुति दे सकते हैं या फिर 1008 आहुति भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। देसी गाय के घी से आपको आहुति करनी है, जितना आप दे सकें उतना अच्छा। तो वो हवन दीजिए, हवन देने के बाद माता का वो पूर्णाहुति अर्पित कीजिए, और पूर्णाहुति के बाद माता के सामने आपको एक अनार काट के माता को भोग स्वरूप अर्पित करना है। यह हवन की विधि है। तो जब आप इतना कर लेंगे तो आपको दुर्गा कवच जागृत हो जाएगा। ध्यान रखिए, मैंने इधर बोला दुर्गा कवच जागृत हो जाएगा, मैंने नहीं बोला कि दुर्गा कवच सिद्ध हो जाएगा। सिद्धि और जागृति में एक बात है कि सिद्धि का मतलब है कि आपने दुर्गा कवच को सिद्ध कर लिया तो दुर्गा कवच का बिना पाठ किए भी आपको सुरक्षा मिलती रहेगी, और जो सिद्धि
इसी को भी बोलते हैं कि बिना कुछ किए भी वो सिद्धि आपके लिए बरकरार रहेगी और आपको फल देती रहेगी उसका। लेकिन जो जागृति है उसका मतलब है कि जब आप उसका स्मरण करेंगे या फिर दुर्गा कवच का पाठ करेंगे, फिर जो भी मंत्र रहता है उसका स्मरण करेंगे, तब वो मंत्र का प्रभाव आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो ये होता है सिद्धि और जागृति में पार्थक्य। तो ये जो साधना मैंने बताया, ये आपको कात्यायनी तंत्र, बाराही तंत्र और गुप्तवती टीका आदि में आपको प्राप्त हो जाता है। तो हमारा सब्सक्राइबर का भी डिमांड था, इसलिए मैंने आपको सभी लोगों को बताया। तो सिद्धि का विधान तो बहुत गोपनीय है, और एक तरह से बोलूं तो कलयुग में वो साधना या फिर उस चीज़ को संपन्न करना सब साधक के लिए बात संभव नहीं है, क्योंकि उसमें लगातार 3 साल तक साधना की जाती है दुर्गा कवच की, और अखंड ब्रह्मचार्य में उसको साधना किया जाता है। तो उतना साधक के लिए अभी करना कलयुग में संभव नहीं है, वो भी गृहस्थ साधकों के लिए। सन्यासी साधक हो तो अलग बात है, और कई सन्यासी करते भी हैं ये साधना जहाँ तक मेरे को पता चला है, लेकिन गृह साधक के लिए संभव नहीं है। तो जो गृह साधक हैं उनको इस कवच का साधना कर लेना चाहिए। जब आपका कवच का जागृति हो जाए तब आपको मैं कुछ प्रयोग बता देता हूँ। कार्य सिद्धि के लिए आपको संकल्प पूर्वक कवच का 11 पाठ कर लेना है, इससे आपकी कार्य सिद्धि हो जाती है। अगर ज़्यादा बड़ा कार्य ना हो तो वो हो जाता है, ओके, भगवती कृपा रहेगी, हो जाता है। इसके बाद आपका आ जाता है कि अगर आपको सुरक्षा चाहिए कहीं भी, तो आपको बस कवच का एक बार पाठ कर लेना है। अगर आप ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप बैठ के पाठ नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आपको करना है कि आप उधर उस जगह पे बैठ जाइए शांतिपूर्वक स्थान में, थोड़ी सी जहाँ पे कोलाहल कम हो, और मन ही मन कवच को उच्चारण करना शुरू कर दें, कवच का पाठ मन ही मन करने लग जाएँ, मुँह से नहीं निकलना चाहिए। तो अगर आप घर में हैं और पूजा कमरे में हैं तो आप मुंह से बोलते बोलते पाठ कर सकते हैं। अगर ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आप बैठ नहीं सकते या फिर अपवित्र अवस्था में, तब आप मन ही मन कवच को स्मरण करना शुरू कर दें, मन ही मन कवच का जाप करना आरंभ से लास्ट तक कर दें। एक बार अगर मन में कर लिया तो कवच आपके ऊपर लग जाएगा। ये कवच आप जब भी लगाएंगे या फिर आपको जब जागृत हो जाएगा, और इस कवच का जब आप रोज पाठ करेंगे, एक पाठ भी करेंगे, तो तब आपका क्या होगा कि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र क्रिया नहीं चला सकता। भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, कोई भी प्रकार की शक्तियां आपको हानि नहीं पहुंचा सकती, जैसे दुर्गा कवच में लिखा है, तो उस तरह की शक्तियां भी आपको हानि नहीं पहुंचा सकती बोला गया है। और एक लोगों का बहुत बड़ा ये रहता है कि क्या भैरव इसमें जैसे लिखा है भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांडा, भैरवादय, तो ब्रह्म, राक्षस, बेताल, कुष्मांडा, भैरवादय, यानी भैरवादय का क्या मतलब होते हैं एक बात बताना चाहूँगा। भैरवादय का मतलब होता है कि कई बार कलयुग में, स्पेशली कलयुग की बात बोल रहा हूँ, भैरव जी का बहुत सारे सावर मंत्र होते हैं जिसमें मारण प्रयोग, उच्चाटन प्रयोग आदि रहते हैं सावर मंत्रों के माध्यम से। तो अगर वो करने की कोई भैरव जी का वो क्रियाएँ करने की सावर मंत्रों के माध्यम से भैरव जी को आन दे के चलाने की कोशिश करें तो वो नहीं चलता, ये उसका मतलब है। बहुत लोग उसको कुछ और ही बना दिए हैं कि भैरव जी को ही वो कवच मार डालता है बोल के, कुछ इस तरह से मैंने सुना है लोगों से। तो ऐसा नहीं है, भैरव जी स्वयं शंकर ही हैं, यानी कि स्वयं शिव हैं भैरव। भैरव और शिव जी में कोई पार्थक्य नहीं है, इसलिए कवच एक जगह पे अपना मान रखेगा। और भैरव जी अब खुद सोचिए कि क्यों भैरव जी किसी को, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी कुछ ने उसने कुछ नहीं किया और उसके ऊपर कैसे चल जाएंगे। बस बात यह है कि लोग अभी के जो कुछ कथाकथित तांत्रिक हैं वो लोग सावर मंत्रों के माध्यम से ऐसे प्रयोग करते रहते हैं, जो कि बहुत आसान भी होते हैं और वो भी बहुत जल्दी चल भी जाते हैं, लेकिन उनको क्या पता वो अपनी ही मतलब नरक का रास्ता खोल रहे हैं, तो वो अलग बात है। तो इस तरह से अगर आप कवच का पाठ करेंगे तो कोई भी प्रकार का तंत्र क्रिया, किसी भी प्रकार का मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, सत्कर्म आदि आपके ऊपर नहीं चलते, आपके सारे कार्य सिद्धि होते हैं। और अगर आप इस कवच का लगातार साधना करते रहते हैं तो कहा जाता है कि अंत में आप महामाया के लोक को प्राप्त होते हैं या फिर भगवती के लोक को प्राप्त होकर आपको मुक्ति प्राप्त होती है बोल के कहा गया है। साधना बहुत सिंपल है और विधि भी बहुत सिंपल है, हर कोई साधक इस साधना को कर सकता है। आने वाली शारदीय नवरात्रि में आप सभी लोग चाहें तो ये साधना संपन्न कीजिए, बहुत अच्छी साधना है और आपको बेनिफिट भी देगा। इसमें कोई ऐसा भी दिक्कत नहीं है कि आपको कुछ भयंकर अनुभव हो या फिर कुछ डर लगे या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपको डरा दें या फिर घर में आपके घर में दिक्कत हो, तो ऐसा कुछ इस साधना में नहीं है। बहुत प्लेन साधना है, हर कोई साधक कर सकता है। थोड़ा टाइम टेकिंग साधना है, थोड़ा कष्टदायक साधना है, क्योंकि आपको रोज़ करीबन 120 से 145 पाठ करने पड़ेंगे दुर्गा कवच के, जो थोड़ा कठिकर होगा, जो ज़्यादा टाइम टेकिंग होगा, लेकिन अच्छे साधक होगा तो वो साधक जरूर ही साधना को संपन्न कर सकता है।
गीता कोच आज का वीडियो सभी को अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और डिस्क्रिप्शन में आप सभी लोगों को मेरे सेकंड चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप जाके मेरे को सब्सक्राइब उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि उस चैनल में मैं अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, गंधर्व, किन्नरी आदि की साधनाएं डालता रहता हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो सेकंड चैनल को भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कई बार मेरे को देखने को आया है कि बहुत लोग मेरे से बात करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में भी मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, तो आप उधर से जाके ज्वाइन होकर मेरे से बातचीत कर सकते हैं। ग्रुप में ग्रुप से पर्सनल मैसेज करके बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको अपने साधनाओं के कुछ अनुभव भेजने हो मेरे को, तो आपको अपने स्क्रीन पे मेरा मेल आईडी भी दिख जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मेल आईडी के साथ ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। अब ग्रुप में ज्वाइन होकर उधर आप वो अनुभव मेरे को साझा कर सकते हैं। अगर वो अनुभव अच्छा रहा, लोगों के लिए मतलब सीखने लायक रहा, तो मैं वो अनुभव के ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो यही था कुछ आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार। जय माँ चंडी, जय शंकर। मिलता हूँ सभी लोगों को और एक किसी ने वीडियो में।